नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले टेक न्यूज और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अभी हमारे चैनल इंडियन टेक जुगाड़ को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन जुगाड़ टेक में। फ्रेंड्स, एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही इस समय जियो की तरफ से। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि आज जियो नए ऑफर लॉन्च करने जा रहा है। जियो मानसून ऑफर के तहत आपको दोबारा से जियो के ऑफर्स मिलने वाले हैं। तो आज जियो ने ये ऑफर्स अपनी वेबसाइट पर अपडेट कर दिए हैं। सो फ्रेंड्स, क्या है जियो की तरफ से नए ऑफर्स, इस वीडियो में पूरी डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूं और कैसे आप इन्हें एक्टिवेट करा सकते हैं और कितना इसका प्राइस रखा गया है, सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलने वाली आपको। लेकिन फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर मिलती है सबसे पहले आपको लेटेस्ट टेक न्यूज। सो फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि जियो का जो समर सरप्राइज ऑफर था या जियो का जो जनधनाधन ऑफर चल रहा था वो 15 जुलाई के बाद में एक्सपायर होने वाला था। ऐसे समय में जियो को अपने यूजर्स को अट्रैक्ट करने के लिए नए ऑफर लॉन्च करने थे, क्योंकि जो अदर कंपनियां इस समय काफी अच्छे ऑफर्स प्रोवाइड कर रही है। तो ऐसे समय में जियो की तरफ से एक नया ऑफर निकल के आया जो कि जियो मानसून ऑफर के नाम से जाना जा रहा है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि क्या कुछ नए प्लान्स हैं और कितना इनका प्राइस है और कितना इसमें आपको डाटा मिल रहा है। सो फ्रेंड्स, ये है जियो की वेबसाइट का होम पेज। कल तक यहाँ पर जियो दनदनादन ऑफर दिखाई दे रहा था, वो 309 वाला दिखाई दे रहा था, लेकिन आज आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑल अनलिमिटेड 3 मंथ्स एट ₹399। ये ऑफर आज ही लॉन्च किया गया है 399 वाला। पहले जो ऑफर चल रहा था वो 309 रुपये और 509 रुपये वाला चल रहा था। अब मैं आपको प्लान्स के अंदर जाकर दिखाता हूँ कि जियो ने आज कौन कौन से नए प्लान्स लॉन्च किए हैं और इन ऑफर्स में आपको क्या कुछ दिया जा रहा है। तो जैसे ही आप प्लान्स के अंदर जाएंगे, आपको काफ़ी ज़्यादा इस बार प्लान्स देखने को मिलेंगे। देखिए कितने सारे प्लान्स यहाँ पर आ गए हैं। इनमें कुछ एक नए प्लान्स हैं और कुछ एक जो पुराने प्लान हैं वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जो प्लान्स हैं यहाँ पर 19 रुपीज़ से शुरू हो रहे हैं और जो आपके जा रहे हैं वो 9,999 रुपये तक जा रहे हैं। तो हम यहाँ पर जो बात करेंगे वो 149 रुपीज़ से बात करेंगे, क्योंकि जो 1949 और 96 के हैं वो मंथली पैक्स नहीं हैं। तो 149 में यहाँ पर आपको 28 डेज़ का वैलिडिटी मिल रहा है। आपको जो कॉलिंग्स हैं वो बिल्कुल अनलिमिटेड मिल रही हैं, चाहे वो लोकल हो चाहे वो एसटीडी हो। और अगर डाटा की बात की जाए तो आपको 2GB डाटा यहाँ पर मिल रहा है। तो ये ऑफर वही है जो पहले चल रहा था। इससे जो नेक्स्ट ऑफर है वो 309 रुपये वाला है, जो कि अभी तक जियो दनदनादन ऑफर में चल रहा था, जिसमें आपको 84 डेज का वैलिडिटी मिल रहा था और रोजाना 1GB डाटा मिल रहा था। लेकिन अगर यहाँ पर बात की जाए तो इस ऑफर में आपको 84 डेज का वैलिडिटी नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पर इस ऑफर का जो वैलिडिटी है वो कम किया गया है। यहाँ पर आपको 56 डेज का वैलिडिटी मिलेगा और आपको रोजाना वैसे ही 1GB डाटा मिलने वाला है, यानी कि इस ऑफर में आपको 56GB डाटा मिलने वाला है और कॉलिंग्स और जो आपके SMS हैं वो आपके ऐसे ही रहेंगे। जैसे पहले आपको कॉलिंग्स अनलिमिटेड मिल रही थी वैसे ही आपको अनलिमिटेड मिलने वाली है। यानी कि 309 रुपए वाले प्लान की यहाँ पर वैलिडिटी कम की गई है, लेकिन रोजाना आपको जो डाटा है वो 1GB ही मिल रहा है। इससे अगला जो प्लान आता है वो 349 रुपए का प्लान आता है। यहाँ पर इस प्लान में भी आपको जो वैलिडिटी मिल रही है वो 56 दिन की ही वैलिडिटी मिल रही है, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं दिया गया है कि आपको रोजाना 1GB डाटा मिलेगा। इस ऑफर में आपको 10+10GB डाटा मिलने वाला है, यानी कि कुल 10GB और 10GB 20GB आपको डाटा इसमें मिलने वाला है। वो 20GB डाटा आप कभी भी यूज कर सकते हैं, उसमें आपका कोई लिमिट नहीं है। और इस ऑफर का भी जो वैलिडिटी है 349 वाले प्लान का भी जो वैलिडिटी है वो 56 डेज ही रखा गया है। तो इससे जो नेक्स्ट प्लान आता है 399 वाला प्लान आता है। यहाँ पर इस ऑफर की जो वैलिडिटी रखी गई है वो 84 डेज रखी गई है, यानी कि जो अभी तक 309 रुपए वाला प्लान था उसका वैलिडिटी 56 डेज रखा गया है। और नया जो प्लान आया है जियो की तरफ से वो 399 रुपए वाला आया है, जिसमें आपका जो वैलिडिटी है वो 84 डेज के लिए दिया गया है और रोजाना आपको 1GB डाटा मिलने वाला है। यानी कि आप जो जियो के यूजर्स रहेंगे, अगर वो रोजाना 84 डेज तक 1GB डाटा चाहते हैं तो अब आपको 399 रुपए वाला प्लान लेना होगा, जो कि अभी तक आप 309 रुपए वाला यूज कर रहे थे। अब आता है नेक्स्ट प्लान जो कि 509 रुपए वाला है। पहले 509 रुपए वाला जो प्लान था उसमें वैलिडिटी आपकी थी 84 डेज की और आपको रोजाना 2GB डाटा मिलता था, लेकिन अब जो ऑफर लॉन्च किया गया 509 रुपए में आपको सिर्फ और सिर्फ 56 डेज का वैलिडिटी मिलने वाला है। और इस ऑफर के तहत आप जो रोजाना डाटा यूज करवाएंगे वो 2GB डाटा यूज कर पाएंगे, यानी कि जो 509 रुपए वाला प्लान था उसका भी वैलिडिटी यहाँ पर कम किया गया है। पहले ये प्लान जो था वो 84 डेज के लिए था, अब 84 डेज के लिए प्लान नहीं है 509 रुपए में, ना ही कुछ 600 रुपए के आसपास कोई प्लान रखा गया है जो कि
84 डेज के लिए हो, तो नेक्स्ट प्लान आता है 999 रुपए वाला, जिसमें आपको 90 डेज का वैलिडिटी मिलता है और इसमें आपको 90 GB डाटा मिलता है। इस 90 GB डाटा को आप कभी भी यूज कर सकते हैं, इसमें आपका कोई भी डेली लिमिट नहीं है। नेक्स्ट जो प्लान आता है वो 1999 रुपए वाला आता है, जिसमें आपको 120 दिन का वैलिडिटी मिलता है और इस प्लान में आपको 155 GB डाटा मिलता है। 1999 रुपए में आपका कोई डेली लिमिट नहीं है, इस 155 GB डाटा को आप कभी भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लान जो आता है वो 4999 रुपए वाला है, जिसमें आपको जो वैलिडिटी मिलता है वो 210 दिन का वैलिडिटी मिलेगा। साथ ही साथ इस ऑफर में आपको 380 GB डाटा मिलने वाला है बिना कोई डेली लिमिट के। और जो लास्ट सबसे हाई प्लान आता है वो 9999 रुपए वाला है, जिसमें आपको वैलिडिटी 390 दिनों का मिलेगा और इस ऑफर में जो आपको डाटा मिलेगा वो 780 GB डाटा मिलेगा। इस 780 GB डाटा को आप कभी भी यूज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थे जियो के जो नए प्लान्स आए हैं और इन ऑफर को जियो के जो नए ऑफर है जियो मानसून ऑफर, इनके तहत लॉन्च किया गया है। इन सभी ऑफर्स को लेने से पहले आपको जो जियो का प्राइम मेंबरशिप है वो यहाँ पर जरूरी कर दिया गया है, यानी कि बिना प्राइम मेंबरशिप के आप ये ऑफर्स नहीं ले पाएंगे और इन ऑफर्स को लेने के लिए आपको प्राइम मेंबरशिप कराना ही पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, जो अभी तक जियो समर सरप्राइज ऑफर चल रहा था वो तो 15th ऑफ जुलाई प्लस 28 डेज तक चलता ही रहेगा, यानी कि फिलहाल तो अभी आपको रिचार्ज कराने का आवश्यकता नहीं है अगर आपका जियो समर सरप्राइज ऑफर चल रहा था। लेकिन अगर आपका जियो दनदनादन ऑफर चल रहा था और वो आपका 15th ऑफ जुलाई के बाद एक्सपायर होने वाला है, तो आपको उसके बाद में ही ये रिचार्ज कराने पड़ेंगे। पहले आप रिचार्ज ना कराएं, क्योंकि जो पिछले बार हुआ था काफी लोगों का जो रिचार्ज था उन्होंने कराया नहीं था, फिर भी जो उनका डाटा था वो चल रहा था और 1 या 2 महीने तक ऐसे ही उनका डाटा चलता गया था। तो आपको वेट करना है कि कब आपका प्लान एक्सपायर हो, उसके बाद ही ये रिचार्ज कराने हैं आपको। सो फ्रेंड्स, जैसे ही जियो की तरफ से कोई नई न्यूज निकल के आएगी सबसे पहले मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जियो के नए प्लान्स के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चल सके। धन्यवाद दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए।